तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या फिल्म का होने जा रहा है अलग अंदाज? क्या फिल्म में नजर आएंगे जॉनी लिवर? क्या हंसी मजाक भी होगा इस बार? किस बात के चक्कर में हो सकता है मेकर्स और डायरेक्टर्स का नुकसान? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जल्द ही बड़े पर्दों पर रिलीज होने जा रही है सोल्जर 2, और जब ये मूवी बड़े पर्दों पर आएगी तो ऑडियंस के रिएक्शन को देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब देखना ये होगा क्या नया दिखाई देगा इस फिल्म के अंदर। तो दोस्तों, मसाला चाहे वो सब्जी में कम हो या फिर फिल्म में, दोनों ही फीकी लगती है बिना मसालों के। तो देखना ये होगा कि इस फिल्म में कितने मसालों को ऐड किया गया है मेकर्स और डायरेक्टर्स के द्वारा, ताकि ये फिल्म ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। हम सब जानते हैं कि ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होती है, लेकिन इस बार इस मूवी में एक्शन और थ्रिलर के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा हंसी मजाक। इस बार की फिल्म में भी गाड़ियां उड़ती हुई नजर आएंगी, साथ ही फाइट्स भी जरूर होंगी। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होने जा रही है ये मूवी, लेकिन रुक जाइए, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार गाड़ियों के उड़ने के साथ साथ हंसी के गुब्बारे भी उड़ते हुए नजर आएंगे। हम सबके घरों में ढेर सारी हंसी और खुशियां जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इस बार फिल्म में सदी के सबसे महान कलाकार जॉनी लिवर शामिल होने जा रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि जॉनी लिवर जैसा कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। जॉनी लिवर जैसे कई बड़े बड़े कॉमेडियन इस फिल्म में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी मीडिया सूत्रों की खबर। तो देखना ये होगा कि जब इस तरीके से कॉमेडियंस इंक्लूड होते हैं इस फिल्म में तो कितना हंस पाती है हमारी ऑडियंस, कितना एंटरटेन कर पाती है ये मूवी उन सबको। देखने के लिए जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मसाला जिंदगी में और फिल्मों में बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एक मसाले की कमी से पूरी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, और ऐसा ही नजर आ रहा है सोल्जर 2 के साथ भी। देखना ये होगा कि किसी एक तत्व की कमी की वजह से पूरी की पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, या फिर मेकर्स अपनी कॉमेडी के कारण फिल्म को हिट कर लेते। जानना ये होगा कि कौन से तत्व की कमी नजर आ रही है। तो अभी तक ऑडियंस का यही मानना है कि फिल्म के अंदर रोमांसिज्म थोड़ा सा कम है। जी हाँ दोस्तों, रोमांटिक सीन्स की थोड़ी सी कम शूटिंग की गई है। फिल्म में बिल्कुल भी रोमांस नजर नहीं आएगा। तो जरा सोचिए, 2-3 घंटे तक एक्शन और थ्रिलर से बड़ी मूवी को बड़े पर्दे पर देखना कितना बोरिंग होगा। जितना ये सुनने में बोरिंग लग रहा है, उतना ही देखने में भी होगा। तो देखना ये होगा क्या इस रोमांटिक सीन्स की कमी की वजह से क्या पूरी की पूरी मूवी फ्लॉप हो जाती है, या फिर इस मूवी में जितना मसाला और मजेदार जोक्स हैं इसके कारण ये मूवी सुपर हिट होती है। ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखना ये होगा किस तरीके से ऑडियंस का रिएक्शन होता है फिल्म के रिलीज होने के बाद। जानने के लिए जुड़े रहना होगा आपको हमारे चैनल के साथ। हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इस मूवी को लेकर हाई हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कैसी होगी सोल्जर 2? कैसी होगी कॉमेडियंस की कॉमेडी? कैसी होगी बिना रोमांस वाली ये मूवी? कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने प्यारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।